कन्नड़ टेलीविजन एक्ट्रेस सौजन्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गुरुवार सुबह बंगलुरु के अपार्टमेंट में वे मृत पाई गयी। पुलिस ने उनकी तलाश के साथ सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। सौजन्या कोडगु जिले के कुशलनगर की रहने वाली थी और उन्होंने कुछ सीरियल्स और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। पुलिस ने उनके पैर के टैटू से उनकी पहचान की। मामले की जाँच जारी है। एनसीबी ने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में मुंबई के खार से होटल व्यवसायी कुणाल जानी को गिरफ्तार किया है। कुणाल सुशांत के करीबी दोस्तों में से एक हैं और इस मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहे थे। कुणाल होटल बिजनेस में राज कुंद्रा के पार्टनर भी हैं। शिल्पा राज की वेस्टर्न हॉस्पिटैलिटी के डायरेक्टर हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। इसके लिए विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। हाल ही में इन पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। दिल्ली में इस साल छठ पूजा आयोजन सार्वजनिक स्थानों या यमुना नदी के किनारे नहीं होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना की गाइडलाइन के तहत गुरुवार को इस बात का ऐलान किया। त्योहार के दौरान मेला या फूड स्टॉल लगाने की अनुमति भी नहीं होगी। अथॉरिटी ने लोगों से अनुरोध किया है कि घरों में ही त्योहार मनाएं। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में MBBS के 29 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 27 स्टूडेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी इन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। 23 स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जबकि 6 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं। 2 छात्रों को सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि बाकी सभी को क्वारंटीन होने को कहा गया है। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम में हादसा होते होते टला। यहाँ एक युवक डूब रहा था, जिसे महिलाओं ने बचा लिया। दरअसल भारी बारिश के चलते विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो रहा था, जिसे देखने के लिए कल कई लोग जूनागढ़ पहुँचे थे। उस समय एक युवक बांध के सामने नहा रहा था। पानी के तेज बहाव के चलते वह डूबने लगा। तभी वहाँ मौजूद महिलाओं ने फुर्ती और साहस दिखाते हुए उस युवक को बचा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। पीएम ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों का शिलान्यास किया। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर कायम है। ड्रैगन के इस रवैये का नेपाल में जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चीन हमारी जमीन लौटाओ और गो बैक चाइना के नारे लगाए। दरअसल नेपाल का दावा है कि चीन ने हुमला जिले में अवैध कब्जा जमा लिया है। प्रदर्शनकारियों ने चीन पर नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। काठमांडू के मीतिगर मंडला में हुए विरोध का नेतृत्व लोकतांत्रिक युवा मंच ने किया, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए। वैक्सीनेशन के बावजूद सिंगापुर में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहां पिछले एक हफ्ते से हर रोज 1000 केस मिल रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। ये महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। ऐसे में सिंगापुर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सितंबर सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी के साथ बाजार लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 पॉइंट गिरकर 59126 पर और निफ्टी 93 पॉइंट गिरकर 17618 पर बंद हुआ।